दोस्तों आज के हमारे वीडियो का विषय वस्तु है शिव जी ने क्यों मारा नरसिंह माँ के अवतार को। दोस्तों आप सब चौंक गए होंगे कि शिव जी ने खुद विष्णु जी के अवतार को क्यों मारा, तो ये अगर आपको जानना है तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अंत में आपको इसका उत्तर मिल ही जाएगा। दोस्तों हम सब भी जानते हैं कि विष्णु जी के 10 अवतार हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु ने एक बार वराह अवतार लेके दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। ये देख के उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से हो गया था। उसने सोचा कि मैं ऐसा वरदान लूँगा कि मैं अमर बन जाऊँगा और ये देवता को भी मार दूँगा। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से उसने वरदान लिया कि ना मुझे कोई देवता मार सके, ना इंसान, ना कोई असुर मार सके, ना मैं अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से, ना दिन में मरूँ ना रात को, ना घर में मरूँ या घर के बाहर। ऐसा वरदान लेके वो खुद को अमर समझने लगा और तिलोकी नाथ बन गया और पूरी दुनिया में वो हाहाकार मचाने लगा। लोग उससे बहुत उत्साहित हो गए। हालांकि उसका खुद का लड़का प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ऐसे में उसने प्रहलाद को भी काफ़ी परेशान किया और एक बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु ने स्वयं खंभे में से नरसिम्हा अवतार लिया। नरसिम्हा के अवतार का आधा शरीर बना था शेर का और आधा शरीर था इंसान का, और उन्होंने अपने नाखून से ही अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप को रख के मार दिया। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वो सबको क्रोधित होकर देखने लगे। उनका खुद का भक्त प्रहलाद भी उनको शांत नहीं कर पाया। ऐसे में सब देवी देवता डर के ब्रह्मा जी के पास गए इसका रास्ता ढूंढने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये विष्णु जी का अवतार है, ताकि उनके पास ही इनको शांत करने का कोई रास्ता होगा। विष्णु जी ने भी नरसिम्हा भगवान को शांत करने में असमर्थता दी। तभी एक महादेवी बचे। देवी देवता चाहे तो के उनके पास गए और उनको शांत करने के लिए प्रार्थना की। तभी नरसिम्हा को शांत करने के लिए भगवान महादेव गए। हालांकि तभी इनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वो शिव जी को भी पहचान नहीं पाए। तभी शिव जी ने सर्वेश्वर का रूप लिया, एक विशाल सर्प के रूप में, जिसका शेर का शरीर था आधा और आधा शरीर था पक्षी का। तभी वो अपने पंखों से शांत करने लगे नरसिम्हा को, तो भी ये सब बेकार हुआ। तभी उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध 18 दिनों तक चला। तभी भगवान सर्वेश्वर ने अपने पंख से एक देवी को जन्म दिया, जिसने नरसिम्हा को निगलने के लिए कोशिश की। तभी भगवान नरसिम्हा कमज़ोर हो गए और उनको अपनी गलती महसूस हुई। तभी पश्चाताप ने उन्होंने माँ काल यानी कि महादेव से माफ़ी मांगी और तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने शिव जी से एक प्रार्थना की कि आप मेरे चर्म के ऊपर ही अपना आसन बनाए, यानी कि मेरी चमड़ी से अपना आसन बनाए। ऐसे नरसिम्हा अवतार के क्रोध से पृथ्वी मुक्त हुई और शांत करने के लिए शिव जी ने उनका विनाश किया। ऐसे तो नरसिम्हा अवतार और सर्वेश्वर दोनों एक ही अवतार हैं, यानी कि नरसिम्हा अवतार के बाद सर्वेश्वर अवतार भी भगवान ने छोड़ दिया और भगवान विष्णु के तेज में दोनों अवतार लीन हो गए। ऐसी है भगवान विष्णु की दिव्य लीला और यहीं पे लीला का समापन होता है। तो ऐसे भगवान शिव ने नरसिम्हा अवतार को मारा था। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो आप मिस ना कर दे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसे